गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन पंचयितान संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री मधुगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कई आचार्य लोग और कई सज्जन जो संस्कार आदि कृत्य करते हैं, उनके ये प्रश्न रहते हैं, क्या हर कर्म के एक ही देवता हैं या कर्मों के अलग अलग देवता होते हैं? कर्म किसे समर्पित करना चाहिए इत्यादि प्रश्न है। तो कर्म तो अपने इष्ट देवता को या ईश्वर को, श्रीमन्नारायण को समर्पित कर सकते हैं, तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु ये बाद में बोला ही जाता है। पर आप विचार करिए कि हमारे यहाँ कई तरीके के कर्म हैं, सत्कर्मों में भी नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, संस्कार आदि हैं, फिर यज्ञ इत्यादि हैं। तो इन सबके देवता अलग अलग होते हैं और वो पुण्या वाचन आदि के बाद उसी देवता की प्रसन्नता के लिए वो जो है समर्पित किया जाता है। ये शास्त्रों में वचन है। इसके लिए आप देखें पारस्कर गी सूत्र की जो व्याख्या है, जिसमें गदाधर आदि आचार्यों ने ये स्पष्ट लिखा है। धर्म सिंधु में कर्मांग देवताओं की चर्चा है और ये जो शुक्ल यजुर्वेदी कर्मकांड प्रदीप है उसमें भी कर्मांग देवताओं के नाम बतलाए गए हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक कर्म में जो हवन आदि का विधान है वहाँ अग्नियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम कई लोग इसको अग्नि के बारे में भी पूछते हैं, भाई अग्नि तो एक ही है, तो इनके बारे में भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बतलाऊंगा। कर्मों के जो है हर कर्म में अलग अलग अग्नियाँ होती हैं। अभी आप कर्मों के देवता सुने, देखिए। कर्म भेदे न कर्मांग देवता नामानी, कर्म भेद से कर्म के देवताओं के नामों को सुने। तो विवाह से अग्निर्देवता, विवाह के जो देवता हैं वो अग्नि है। विवाह से अग्निर्देवता तेन विवाहांग भूत स्वस्ति वाचनाद्यन्ते कर्मांग देवता अग्नि प्रियताम इति वदे। इसीलिए विवाह के अंग भूत होने वाले स्वस्ति वाचन में, ये जो पुण्या वाचन है उसमें कर्मांग देवता अग्नि प्रियताम ऐसा बोलना चाहिए। औपासने अग्निर सूर्य प्रजापतया, औपासना अग्नि की स्थापना होती है तो वहां सूर्य अग्नि और प्रजापति ये तीन देवता हैं। स्थालीपाके अग्नि, स्थालीपाक कर्म है, आव सत्या धानम दुदार काले, ये जो गृह्याग्नि पर स्थालीपाक जो बनाया जाता है तो उसके देवता अग्नि है। गर्भाधाने ब्रह्मा, गर्भाधान संबंधी कृत्य के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं। पुंसवने प्रजापति, पुंसवन संस्कार होता है तो उसके देवता प्रजापति हैं। सीमंते धाता, सीमंत के देवता, सीमंत संस्कार के देवता धाता हैं। जात कर्मणि मृत्यु हो, और जात कर्म के देवता मृत्यु हैं, उनका जो है पूजन होता है, जात कर्म जब होता है। नाम कर्म निष्कर्मणान्न प्राशनेषु सविता, नाम कर्म के तथा निष्क्रमण संस्कार के और अन्न प्राशन संस्कार के इनके देवता सविता हैं, भगवान सूर्य हैं। चूड़ायाम केशिनः, और चूड़ा कर्म संस्कार के केशिनः केशी देवता हैं। तो ये बहुवचन में बहुत से केशिनः देवता हैं। और उपनयने इंद्र श्रद्धा मेधा, यज्ञोपवी संस्कार के इंद्र श्रद्धा और मेधा ये तीन देवता हैं। अंते सुश्रवा, पुनरुपनयने अग्नि, अगर किसी का उपनयन जो है खंडित हो जाता है किसी कारणवशात, लिखा हुआ है कि कई कारण है, उसने कर
तो या जल का स्पर्श कर लिया, कर्म नाशा जल का स्पर्श कर लिया है ना, या उस कहीं विदेश गए हुए बहुत दिन हो गए, यहां लोगों ने उनके पर्ण सरदाह कर दिया, माने मरा हुआ घोषित करके उनके सब क्रिया कर्म कर दिए, तो जब फिर वो आ गए तो उनके सभी संस्कार होंगे तो पुनरुपनयन भी होगा। इसी तरीके से कुन किन्हीं क्षेत्रों में जाने के लिए शास्त्रों ने मना किया है, उन क्षेत्रों में यदि कोई चला जाता है कुछ कृत्यों के लिए करने के लिए शास्त्रों ने मना किया है, वो कृत्य यदि उससे हो जाते हैं तो उसको पुनः संस्कार मरहति, पुनः जो है संस्कार करवाना चाहिए। तो अंग भंग कलंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कार मरहति इत्यादि वचन है, तो पुनरुपनयन होता है तो वहां का देवता अग्नि होते हैं। समावर्तने इंद्रः, समावर्तन संस्कार के देवता इंद्र हैं। उपाकर्मणि व्रतेषु च सविता, उपाकर्म में और व्रतों के देवता जो भी व्रत करते हैं उनके देवता भगवान सूर्य हैं। और वास्तुओं में वास्तुस्पति अंते प्रजापति, वास्तुओं में कोई वास्तु शांति करते हैं तो उसके देवता वास्तुस्पति हैं और अंतिम में उसके देवता प्रजापति भी होते हैं। तडागादीनाम वरुण, कोई जलाशय की प्रतिष्ठा करते हैं या जलाशय कूप खनन आदि करते हैं, तालाब इत्यादि खुदवाते हैं तो उससे संबंधित जो जलाशय की प्रतिष्ठा आदि है उसके देवता वरुण है। ग्रह यज्ञ नवग्रह, ग्रह यज्ञ में वो नवग्रह ही देवता हैं। कूष्मांड होम में चंद्रायणे अग्नियाधाने च अग्नियादया, कूष्मांड होम में चंद्रायण व्रत में, चंद्रायण व्रत कोई करे और अग्नियाधान में ये जो है अग्नि इत्यादि देवता होते हैं। अग्निष्टोमस्याग्नि, अग्निष्टोम जो वैदिक यज्ञ हैं उनके देवता भी अग्नि हैं। अंत्ये स्विष्ट कर्मसु प्रजापति, अंत्येषु इष्ट कर्मसु प्रजापति इति, अन्य जो भी इष्ट कर्म हैं, इष्ट कर्म होते हैं कुछ पूर्त होते हैं, तो अन्य जो भी इष्ट कर्म हैं उन सभी के देवता प्रजापति हैं। इस तरीके से शास्त्रों में कर्मों के देवताओं की चर्चा की गई है। और जिन देवताओं का स्मरण न हो अनुक्त, या जिन देवताओं जिन कर्मों के देवता शास्त्र में नहीं बतलाए गए हों तो उन सभी के देवता, उन कर्मों के सभी कर्मों के देवता प्रजापति होते हैं। इस तरीके से कर्मों के देवताओं की चर्चा शास्त्रों में है। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के मुख्य देवता अधिष्ठार्थी देव कौन है, ये हमको विशेष जानकारी होना चाहिए। और उन्हीं देवताओं के निमित्त, तत्त्व देवता के निमित्त स्वस्ति वाचन पुण्यावाचन के बाद कर्मांग देवता की प्रसन्नता के लिए उस कर्म को समर्पित करना चाहिए। ये ऐसा करने से वो कर्मांग देवता प्रसन्न होते हैं और वो कर्म पूर्णतः पूर्ण माना जाता है। हर हर महादेव।